गाइस, अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब को हाइड करना या अनहाइड करना, तो दोस्तों सब्सक्राइब हाइड करने से क्या फ़ायदा होता है, सब्सक्राइब हाइड ना करने से क्या फ़ायदा होता है, इन दोनों करने से नुकसान क्या होता है, सब्सक्राइब हाइड करने से या हाइड नहीं करने से। सो दोस्तों, सारा कंक्लूजन मैं दूर करने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद बातें भी बताने वाला हूँ और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किस तरीके से हो सकता है आपको ये काम करने से। तो दोस्तों, जाने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दोस्तों, मेरा नाम है सबाज खान, आप देख रहे हैं जी टेक्निकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सब्सक्राइब हाइड करना, जी हाँ, सब्सक्राइब हाइड किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर आई बटन पर लिंक है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों ये समझना चाहते हैं सब्सक्राइब हाइड करने से फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इससे आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इससे अगर आपका सब्सक्राइब चैनल अच्छा बड़ा है और आप उसको हाइड करके रखते हैं, तो आपको स्पॉन्सरशिप लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए आपको देखती है कि हाँ भाई, इसको मैं स्पॉन्सरशिप दूँ या ना दूँ, तो दोस्तों व्यू देखती है वो आपके पर वीडियो पर कितना आ रहा है, और साथ ही साथ देखती है आपके सब्सक्राइबर, यानी कि आपके पास सब्सक्राइबर बेस कितना है। तो ज़्यादातर देखा गया है स्पॉन्सरशिप के लिए सब्सक्राइबर और व्यू मैन रहते हैं, तो अगर आप उसको हाइड करके रखेंगे तो शायद ही वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको एक घाटा होने वाला है कि अगर आप इसको हाइड कर रखते हैं लेकिन आपके सब्सक्राइबर कम हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बोनस पॉइंट आपको मिलने वाला है। अगर आपका एक सब्सक्राइबर है, 10 सब्सक्राइबर हैं, 100 सब्सक्राइबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर हैं, आपको हाइड करके रखना होगा, क्योंकि दोस्तों देखने में ये आया है कि दोस्तों कोई भी आपका अगर वीडियो देखेगा, कम सब्सक्राइबर होंगे तो शायद ही उसको सब्सक्राइब करेगा, लेकिन उसके हाइड सब्सक्राइबर रहेंगे, उसका कॉन्टेंट अच्छा रहेगा, तो दोस्तों चांसेस बढ़ जाते हैं, 99% चांस बढ़ जाते हैं कि उसको सब्सक्राइब करेगा आपको, क्योंकि उसको सब्सक्राइबर काउंट नहीं देखेगा, सिर्फ आपका सब्सक्राइब बटन देखेगा और वो वीडियो देखेगा जिसमें आपको वो देख रहा है। तो वो वीडियो अगर उसको अच्छा लगेगा, उसको उसका कॉन्टेंट चाहिए होगा कि जो वीडियो मैं देख रहा हूँ वही वीडियो मुझको आगे तक मिलें, तो वो आपको सब्सक्राइब जरूर करेगा, यही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर वही इंसान आपका जब सब्सक्राइबर बेस देखेगा, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर हैं, 1000, कहेगा अबे ये तो छोटा सब्सक्राइबर है, सॉरी छोटा चैनल है, मैं इसको सब्सक्राइब क्यों करूँगा। तो दोस्तों, ये धारणा हमेशा हर इंसान में रहती है, ज़्यादातर लोग इसीलिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो इसीलिए आप हाइड करके रखिए, जब आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाए, यानी कि आपके 10K से मिनिमम 10K से अगर ऊपर हो जाए, या फिर 5K में भी आप उसको रिलीज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादातर 10K, अगर 10K सब्सक्राइबर हैं तो आप उसको हाइड या मतलब अनहाइड उसको कर सकते हैं, अगर आपके 10K सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से आप हाइड करने से आपको फ़ायदा होता है, हाइड ना करने से क्या फ़ायदा होता है, इन दोनों में नुकसान क्या होता है। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों में फ़ायदा और नुकसान। अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल या सुझाव है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने के लिए इस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ हमें सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।